कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोवैक्सीन को अगस्त के अंत तक मिल सकती है मंजूरी, अंतरराष्ट्रीय लेवल तक जाएगी अब कोवैक्सीन। दिल्ली के जंतर मंतर पर असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक नारे लगाने के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, ड्राइवर ने बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। और अब खबरें विस्तार से। भारत बायोटेक में तैयार हुई कोवैक्सीन को इस महीने यानी अगस्त के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि WHO का प्रतिनिधि मंडल आज स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की EUL में शामिल होने के लिए वैक्सीन ने काफी पहले ही आवेदन कर दिया था। कोवैक्सीन कनाडा में समीक्षा के दौर से गुजर रही है। खबर श्रीगंगानगर के रावला मंडी से है, जहां पर लंबे समय से विवादों में चल रहे रावला मंडी के पेयजल सप्लाई विवाद मंगलवार को समय जोर पकड़ गया, जब रावला मंडी सरपंच गंगा विशन पूनिया के नेतृत्व में काफी संख्या के अंदर पंच तथा महिला व अन्य लोग वाटर वर्क्स सप्लायर एवं परिसर के अंदर धरना देने चले गए। बड़ी संख्या में लोगों से धरने में शामिल होने के कारण मौके पर रावला मंडी पुलिस थाने के ASI सुभाष गेला के नेतृत्व में पुलिस बल भी तैनात किया गया। लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए दोपहर बाद में जनस्वास्थ्य अभियंत्रिका विभाग घरसाना के सहायक अभियंता राहुल सनरेगा मौके पर पहुंचे और धरने दे रहे सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों से वार्ता शुरू की। पेयजल सप्लाई से नाराज सरपंचों ने सहायक अभियंता को कहा कि अगर विभाग के कर्मचारी पेयजल सप्लाई देने में असमर्थ है तो उन्हें यहाँ से हटा दें, हम खुद सप्लाई कर लेंगे। एक बार वार्ता के दौरान तकरार भी हुई, लेकिन फिर वार्ता शुरू हो गई जो कि मंगलवार शाम 6 बजे संपन्न हुई। वार्ता में रावला मंडी के सभी वार्डों में 5 दिन में पेयजल व्यवस्था सुधार करने का आश्वासन दिया गया। सहायक अभियंता ने रावला मंडी सरपंच को आश्वासन दिया, जिस पर सरपंच ने धरना समाप्त कर दिया तथा चेतावनी दी कि अगर 5 दिन में समझौते के मुताबिक व्यवस्था में सुधार नहीं आया तो दोबारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? 5 दिन का टाइम लिया है AIN साहब ने, वो कह रहे 5 दिन में सुचारू रूप से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर 5 दिन में समाधान नहीं होता है तो उन्होंने बोला है कि मेरे को एक बार बोलना, तो 5 दिन के अंदर अंदर एक दो मोहल्ले की तो कल ही समस्या का समाधान हो जाएगा। AIN साहब अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, यहाँ के जो कर्मचारी है उनका रवैया थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आज AIN साहब ने उनको डांटा फटकारा है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है 5-4 दिन में समस्याओं का समाधान हल होगा। सर, धरना समाप्ति की हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? धरना में एक्चुअल में जो कई वार्डों में जो समस्याएं थी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसका अगर चेक करवा के अपने कर्मचारियों से, और उसके बाद के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर समस्याएं 5 दिन के लिए बात हुई है, 5 दिन में अगर ठीक हो जाती है तो एक सामान्य तरीके से ठीक है, आगे चलता रह सकते, वरना फिर कुछ स्थायी तकनीकी अगर समस्या है तो उसके लिए अलग प्रयास किया जाएगा। वार्डों में कई जगह लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आपका क्या करेंगे? वार्डों की जो लोकेशन है उनके बारे में पता लगा लिया गया है और 1 या 2 दिन के अंदर जो भी है संबंधित लीकेज को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। चार नंबर वार्ड में क्या समस्या है पानी को लेकर? 4 नंबर वार्ड में भी जो समस्या पानी की, और 4 नंबर वार्ड के अलावा पूरे रावला में ही समस्या है पेयजल की, तो उसके संबंधित पानी आ ही नहीं रहा है। पाइपें 6 नंबर 6-6 इंची पाइपें बिछा दी गई है, उसके बाद ही पानी की समस्या है, और संपूर्ण मंडी में ही समस्या है, इसलिए आज धरना प्रदर्शन किया था। और तो ऊपर से बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, 5-4 दिनों का टाइम लिया है और सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू करवा देंगे, अगर नहीं हुई तो आगे वो धरना प्रदर्शन तो फिर हम करेंगे आगे भी। वो तो जारी है, जारी है, और हमें आश्वासन जो मिला उसके हिसाब से पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। खबर जयपुर से है, जहां पर मुस्लिम समाज व भट्टा बस्ती विकास यूथ विंग समिति के द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाना भट्टा बस्ती में FIR दर्ज करवाई गई है, जिसमें थाना प्रभारी हुकुम सिंह ने आश्वासन दिया।
थाना प्रभारी हुकुम सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द सख्त इन पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विकास समिति अध्यक्ष रशीद खान, आर के उपाध्यक्ष आरिफ खान एवं वार्ड नंबर 7 अध्यक्ष अनवर भादवा, उपाध्यक्ष जावेद कुरैशी, वार्ड 15 से अध्यक्ष एडवोकेट वसीम, उपाध्यक्ष मोहम्मद सैफ फारूक शाह, उस्मान पठान, इरफान मालिक एवं कई लोग इसमें मौजूद रहे। माधोपुर के अजीतगढ़ में एयू बैंक की ओर से लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गीतांजलि हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मंगल यादव ने दीप प्रज्वलित कर लोन मेले का श्री गणेश किया। इस अवसर पर एयू बैंक के समस्त स्टाफ ने यादव का माला वसाफा पहनाकर स्वागत किया। मंगल यादव ने बताया कि लोन मेले से व्यापार मंडल को काफी लाभ मिलेगा। खबर 12 के शाहबाद से है, जहां पर थाना कस्बा के अंदर नेशनल हाईवे 27 पर एक गाड़ी में आग लग जाने से गाड़ी पूरी तरीके से खाक हो गई। जानकारी के अनुसार गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बता दें कि नेशनल हाईवे पर दो सांड आपस में लड़ रहे थे, उनको बचाने के प्रयास में गाड़ी एक सूखे पेड़ से टकरा गई, जिस कारण उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहीं ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी पूरी तरीके से खाक हो गई है। रायगढ़ों ने पुलिस को सूचना दी, तो वहीं थाना अधिकारी खेम सिंह महजाबते के साथ में मौके पर पहुंचे और गाड़ी चालक को अकेला ही था, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। नेशनल हाईवे 27 के कर्मचारियों द्वारा मवेशियों को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां पे गोटे गांव के लाट गांव पिपरिया में पुरानी रंजिश पर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव के रमन पटेल, भूपेंद्र पटेल और नरेश पटेल ने पुरानी रंजिश पर ग्रामीण गौरी शंकर पटेल की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। गोटेगांव पुलिस की माने तो गौरीशंकर का गांव के ही रमन भूपेंद्र से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। सर, हत्या का मामला सामने आ रहा है, सर क्या घटनाक्रम? एक गांव है पिपरिया लाट गांव, आज वहां करीब 12 बजे, दिन की बात है 12:30 बजे करीब, एक गौरीशंकर पटेल करके एक व्यक्ति को तीन लोगों ने मिलकर धारदार हथियारों से मारा है। तीनों आदमी के मारने से उसके गले और पीठ और पैरों में बहुत बुरी तरह से घातक चोटें थीं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। हमने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। सर, कहाँ का मामला है और कितने हैं और क्या नाम है सर, क्या कार्रवाई हुई? तीन आरोपी हैं उसमें, धम्मन पटेल, नरेश पटेल और भूपेंद्र पटेल, ये तीन उसमें आरोपी हैं। मृतक का नाम गौरीशंकर पटेल है, ग्राम लाडगांव पिपरिया का ये प्रकरण है। सर, कारण को समझ में आया है? उनकी कोई पुरानी दुश्मनी, एक पुराना प्रकरण दर्ज कराया गया था एक महिला के द्वारा, भूपेंद्र पटेल की पत्नी ने एक प्रकरण दर्ज कराया था अपने ससुर के खिलाफ, उस बात को लेकर उनकी आपस में रंजिश और मनमुटाव था, उसी बात को लेकर ये घटना घटित हुई।